ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये, तुम, आप, हम, तुम्हारा, उसका आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सबके लिए प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मोहन पढ़ेगा, इसमें मोहन शब्द दो बार आने से वाक्य दोष है, इसलिए मोहन ने कहा कि वह पढ़ेगा, तो वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सर्वनाम के छह भेद होते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम प्रत्येक सर्वनाम के बारे में उनकी परिभाषा एवं उदाहरण के बारे में जानकारी करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके बारे में मालूम होता है, पता चलता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष बात कहने वाला वक्ता, मध्यम पुरुष बात सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाती हो। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता लगता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, तुम, आप, हम, हमारा आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसके बारे में निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित पता नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई कुछ, जैसे चाय में कुछ पड़ा हुआ है, कोई आ रहा है आदि। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो परस्पर वह सर्वनाम जो वाक्य में परस्पर एक शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन क्या, जैसे वह कौन है, मौन कहाँ जा रहा है आदि। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसका प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए करता है
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं आप चले जाऊँगा आदि। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी की थी। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा और विशेषण के बारे में जानकारी की थी। जय हिंद, जय भारत।